हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सोच रहे हो इतना तैयार होकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतना क्या, वैसे इतना ही डेली तैयार होता हूँ मैं। और अभी बज रहे हैं 12:15 और अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा से मार्केट स्वाति के साथ। देख रहे हो, तीसरी बार मार्केट जा रहा हूँ गाइस। हमारे घर पे डेली डेली का नाटक हो रखा है मार्केट जाने का। आज भी जाना है, कल भी जाना है, परसों भी जाना है, और अभी कल आएंगे, कल फिर जाना है। और गाइस, अभी हमें थोड़ा बहुत सामान लेकर के आना है मार्केट से, तो वो लेकर के आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि हमें कहीं जाना है, तो वहाँ जाने के लिए तैयारी हमारी वैसे तो पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत सामान रह गया है, थोड़ा बहुत उससे कुछ कराना है तो वो करा लेगी। ठीक, तो अभी चलते हैं फिर, और अभी हम निकलेंगे यहाँ से जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के लिए 1 बजे। और आप ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको हम सारी चीज़ दिखाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और रास्ते में जो सारी चीज़ें होंगी उसको सारी चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए और मज़े करिए। ठीक, रुक जाओ गाड़ी से सामान वगैरह रख देते हैं गाड़ी में, अभी बता रहा था ना जाना है हमें, तो सामान रख देते हैं। ओके, बस ना, अरे बर्फ है। Meanwhile, गाइस यार, हमें निकलना था 2 बजे और अब बज चुके हैं 2:30। और जो जाने वाला खाना था ना, जो रास्ते में मेरे को थोड़ा बहुत खाना था या किसी को खाना था, वो मैंने अभी खाना शुरू कर दिया। क्या करें, भूख लग रही है तो खाना तो पड़ेगा ही। टाइम से ज़्यादा लेट हो रहे हैं, वजह है कुछ उसकी भी बताएंगे आपको। क्या है, सब लोग सामने बैठे हुए बोल रहे हैं मेरे को, खैर कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो गाइस, निकल लिए हैं अब घर से गाड़ी। तो गाइस, हम निकल लिए हैं और मौसम हो गया है अल्टीमेट, जो आपको दिखाता हूँ। बिहारी लाल की जय। सो गाइस, माँ की बिहारी का नाम लेते हुए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, और अब आपको मैं बता दे रहा हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं खाटू श्याम सीकर, राजस्थान में जो है। हम अभी कुछ दिन पहले भी गए थे और अब दोबारा जा रहे हैं। गाइस, ऐसा ही है, अपना घूमते फिरते रहते हैं, दर्शन वगैरह करते रहते हैं, और अभी निकल लिए हैं, और अभी बीच में कुछ रास्ते में अच्छा दिखेगा तो आपको दिखाते हैं। ठीक, गाइस, सर्विस रोड छोड़ के हाईवे हमने टच कर लिया है, अब चलेगा धुआंधार काम। और आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, हम जब भी निकलते हैं ना घर से, स्पेशली गाड़ी वगैरह लेके, तो बारिश का आना तो संभव है, समझ रहे हो मेरे संभव का मतलब, पानी का आना, बारिश का आना, बादलों में से झमाझम वर्षा का होना अति आवश्यक है, और ये होता ही होता है, इसे हम एक शुभ वो मानते हैं। तो आप देखना चाहेंगे इसको, इस दृश्य को आप देखेंगे ना तो आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा, तो आप देखिए। गाइस, बाढ़ आ चुकी है आगरा में, देख रहे हो गाइस, अल्टीमेट मज़ा दिख रहा है, कितनी तेज पानी है, वाइपर अपनी स्पीड से ज्यादा तेज में चल रहे हैं, ये देखो। मेरे ब्लॉक में आ गए, अरे भैया आ गए भैया भी अपने ब्लॉक में आ चुके हैं गाइस, और अभी पढ़वाते हैं गाड़ियों में, दोनों में सीएनजी, फिर चलते हैं। और अभी यहाँ पे बारिश होके अभी ख़त्म हुई है, और अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भर रखा था तो कोई हिसाब नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी डलवाते हैं फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको। गाइस, गाड़ी में ईंधन पड़ चुका है, जितना गाड़ी की इच्छा थी कि मुझे ईंधन चाहिए। तो गाइस, आ चुके हैं हम यहाँ पे, अब सेकंड स्टॉप हमारा पेट्रोल पंप भी है इंडियन ऑयल का, और यहाँ पे दोबारा से रिफ्यूल कराते हैं गाड़ियों को, दोनों गाड़ियों को रिफ्यूल कराने के बाद फिर निकलते हैं। और अभी मैंने स्वाति से कहा एक रील बनाने के लिए, और भाई इतनी गंदी रील बनाई है, उसमें पूरा गाना निकल गया। उसके बाद मेरे को बोलती है कि अब आ भाई, क्या मतलब है इस चीज़ का। हाँ भाई, भाई रील बना दे यार सही से। ये भाई हर्षित भैया हमारे, और पीछे अनु बॉस, खैर कोई नहीं, आपसे अभी रील बनाने के बाद मिलते हैं। ठीक है, मुकेम्बो खुश हुआ,
इतना बढ़िया रील बनाई है, थैंक यू, काफ़ी अच्छी रील बनाई है, मेरे को जैसी चाहिए थी वैसी बिल्कुल सेम रील बनाई है। अब मेरे को मज़ा आ चुका है। अब खैर कोई दिक्कत, गाइस मौसम हो रहा है एकदम अल्टीमेट, और आप देखो यार है गाइस, मैं काफ़ी ज़्यादा इसकी सराहना करूँगा क्योंकि इसने काफ़ी सारी रील बना दी और पापा ने इसमें ईंधन डलवा दिया है। अब चलते हैं, ठीक है, खैर कोई नहीं, गाइस अब गाड़ी लग चुकी है दोनों पैरेलल में, और अब कराते हैं ग्रुप फोटो सारे लोगों के साथ। क्या करे जाते दो ऊपर, वो तो बोनेट पे बैठ जाओ, अच्छा दो छत पे बैठ जाओ, हाँ खड़े हो जाओ पीछे डिग्गी पे, नहीं नहीं ऐसा, हाँ ये भी आइडिया, देखो चाचा जी ने भी एक अच्छा आइडिया दिया है, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो खैर कोई नहीं, अभी कराते हैं ग्रुप फोटो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फोटोज वगैरह हो चुके हैं यहाँ पे सारे ग्रुप वगैरह के, ठीक अब मिलते हैं किसी खाने वाली जगह पे, ठीक है। देखो मुस्कुराहट गजब, खाने के नाम पे मुस्कुराहट, खाने का जलवा ही है सारा कुछ। सो गाइस अभी वहाँ पे गाड़ी में ईंधन पड़वा लिया है, ईंधन मीन्स फ्यूल, आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ, थोड़ा हिंदी मेरी अच्छी है, इंग्लिश भी ठीक है मगर हिंदी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी मैं चावल लड़ा रहा हूँ, फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस लाइक मेड बाय दिव्य शर्मा और AKA स्वाति, तो इसे उड़ाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। कचना मिल्ला गाइस, यहाँ पे एक ढाबा है तुम्हारा श्री गिरिराज धरंग फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा, यहाँ पे अभी आके हम रुक लिए हैं और अभी यहाँ पे खाते हैं खाना क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 6:30, और फिर अभी हमें रात में नाइट में ड्राइव भी करना है पापा वगैरह को इन सबको, तो यार इसलिए अभी खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर पहुँच जाएंगे टाइम से वहाँ पे, और खाना खाना ज़रूरी भी है क्योंकि भूख लग रही थी शाम के टाइम, हमने दोपहर में खा लिया था वैसे तो खैर कोई दिक्कत नहीं। और खाना गाइस हम अपना घर से बना करके लाए थे और यहाँ से हम कुछ नहीं लेने वाले हैं, घर से अपना प्रॉपर बना के लाए थे और यहाँ तो हमने पूछ लिया भैया यहाँ बैठ के साइड में खा लें, तो उन्होंने कह दिया खा लो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब देखिए सारे लोग यहीं पे बैठे हैं, अब खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। गाइस प्लेट वगैरह निकाल लेते हैं, गाड़ी में पड़ी है थोड़ी एक्स्ट्रा। आपको मैं राजस्थान के सस्ते पहाड़ दिखाता हूँ, देखो गाइस चाय चालू हो चुकी है, कहाँ है आपकी चाय, वो रखी वो रखी, कैसी अनु बस चाय, बढ़िया अच्छे भैया, आपने ली कि नहीं ली, एक सिप नहीं, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैंने ले लिया चाय हो रखी है एकदम बढ़िया, बस थोड़ी सी मीठी कम है, घर जैसी तो खैर नहीं कहूँगा मैं इसको, घर जैसी यार चाय मेरे को पहनी नहीं, चाय तो कहीं मिलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस, मगर ये चाय भी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर आपको बता दूं अब ये लास्ट चाय ले रहे हैं, उसके बाद शाम के टाइम में अब सीधे चलेंगे बिना रुके बिना टुके। कहाँ पे आ गए हम, डोसा पार कर गया है ना, डोसा पार कर गाइस, तो डोसा पार कर लिया है और अभी यहाँ पे पता नहीं कौन सा टोल है, यहाँ लिखा तो खैर नहीं है मगर कहीं ना कहीं तो है बीच रास्ते पे, अब देखते हैं। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, यार थोड़ा बाहर मौसम का ही मज़ा लेना ज़रूरी होता है, जैसा कि आप देख रहे हो सारे लोग यहाँ मज़ा ले रहे हैं, अंगड़ाइयाँ जोर जोर से, खैर कोई नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉग में बने रहिए और मज़ा लेते रहिए, हम आपको सारी चीज़ दिखा ही रहे हैं, आना जाना घूमना फिरना, और आपको ये ब्लॉग केवल एक पार्ट में आएगा खाटू श्याम जी तक पहुँचने का, उसके खाटू श्याम जी का ब्लॉग जो आगे का होगा कंटिन्यू मैं दूसरे ब्लॉग में करूँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर में। गाइस यार अपने लोग ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, खैर कोई नहीं अब करवा देंगे, SSB मंगा लिया सबसे, खैर कोई दिक्कत नहीं है गाइस सब लोग कर देंगे, मैंने ही नहीं बताया था।
गाइस गाने चल रहे हैं, इस चक्कर में हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, समझ रहे हो, बिकॉज कॉपीराइट लग जाएगा और हम उस कॉपीराइट को झेल नहीं पाएंगे। गाइस हम यहाँ पहुंच चुके हैं रिंगस के मोड़ पे, खाटू श्याम जी जाने के लिए। ये रिंगस वाला मोड़ आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहीं से गाड़ी वगैरह और लोग निशान वगैरह उठा के जाते हैं रिंगस से, सुबह के टाइम पहुंच जाते हैं और फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ से गाइस रह जाता है खाटू श्याम जी का मंदिर केवल और केवल 18 किलोमीटर दूर, और तो गाइस तो देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से रिंगस वाले मोड़ से, हमने मुड़ लिए हैं और ये यहाँ से लोग निशान वगैरह उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ से कम 18 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी का मंदिर, और लोग कई सारे यहाँ से निशान उठाते हैं, पगड़ी वगैरह भी पहनते हैं। और ऐसा नहीं है गाइस कि जरूरी कि नहाना ही नहाना, अब मुझे पता तो खैर नहीं, मगर कई लोग नहा के भी उठाते हैं निशान और कई लोग बिना नहाए भी उठा लेते हैं, देन वहाँ जाके नहा लेते हैं, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और गाइस आपको बता दूँ, कई लोग डीजे वाली गाड़ी वगैरह कर लेते हैं और फिर उस पर अपने डांस वगैरह करते हुए रात में नाचते गाते फिर आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। और गाइस 18 किलोमीटर तक ये पैदल पैदल चलते हैं, लोगों का अपना अपना रहता है कि नंगे पैर चलना है या चप्पल पहन के चलना है, वो आपके ऊपर है। बाद बाकी हम तो यार वहीं जा कर रुकेंगे मंदिर से 5-6 किलोमीटर पीछे करीब। गाइस तो यहाँ पे आ लिए हैं, जहाँ पे हम पिछली बार रुके थे ना वहीं पे आके रुके हुए हैं। ये है इसका नाम होटल श्री राधे कृष्णा पैलेस, और अभी अपनी चाय वगैरह आ ली है, चाय पी रहे हैं, पीछे भी सारे लोग चाय पी रहे हैं और हम यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। और अभी बज रहे हैं शायद से कितने बजे पापा, 11 बज गए शायद, 12 बज चुके हैं और हम पहुँचे हैं, 5 मिनट हुए होंगे और रूम वगैरह हमने ले लिए हैं। और आज यार गाइस 11 वगैरह करके कुछ है ना, इसकी वजह से रूम कई जगह मिल भी नहीं रहे हैं और महंगे ही मिल रहे हैं, तो जहाँ हमें मिला, हमें पुरानी वाली जगह मिला तो हमने वहीं पर ले लिया रूम वगैरह, दो रूम ले लिए, दोनों में एसी वगैरह ऑन करा दी है और सारे काम कर दिए हैं। अब चाय पी के फिर चलते हैं अंदर, है ना। मेरे पास चाय से तो नहीं रख ले, चाय कैसी लगी भैया? चाय बेस्ट है, बेस्ट है, पहले वाली पी थी, मूड खराब। हाँ हाँ वहाँ पे एक फोन रखा तो था, आपका था वो, देखना पेमेंट पे गाइस गाड़ी वगैरह यहाँ पे पार्क कर दिए दोनों। मिल गया या नहीं मिल गया? अंदर ही था था ना। पहले मैं सोच रहा था मेरा मोबाइल वहां रखा हुआ है, 5 मिनट नहीं आते ना, मैं टेबल पे ही है ना, कोई भी उठा के ले जाए। रात के 12 बजे सब खाने पीने में बड़ा मजा आ रहा है। ये बैठे चाचा जी और ये बैठे पिताश्री, हम बैठे चाय पी रहे हैं, चाय और चुंगी पी लें उसके बाद मजे करेंगे, ठीक है, आप भी देखना हम भी देखेंगे। A few moments later. So guys, आ लिए हैं रूम में अंदर, तो इस ब्लॉग को मैं यही कर रहा हूँ एंड। चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा केयर।